अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम आज डिस्कशन करेंगे। लास्ट हमारा लेक्चर जो था वो था फॉर्मेशन से रिलेटेड, और उसमें मैंने डिस्कस किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उस प्रोसेस पे यानी उस स्टेज पे तीन डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एओए के बारे में, एमओए के बारे में एंड प्रॉस्पेक्टस के बारे में। आज हम बात करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में, यानी जिसको आप एओए भी बोलते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इस कार्ड इंटरनल मैनेजमेंट को डील करने वाला आपका एक डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के डेफिनेशन क्या है, एक से दो, फिर बताएंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर आपको बताएंगे इसको ऑल्टर किया जा सकता है या नहीं, फिर बताएंगे कि किन कंपनीज के लिए इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर बताएंगे इसके फीचर्स के बारे में। अभी जो है वो इस चीज के बारे में बताएंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो इसके पार्ट टू में यानी अपने लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इस टॉपिक में आपसे बात करेंगे जो कि जनरल, आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो इन चीजों को आप मस्टली जो है वो लिखिएगा, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एसेंशियल्स है कि जिनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात की हम बात करेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है क्या। इज अ डॉक्यूमेंट जो कि नेसेसरी एंड बेसिक डॉक्यूमेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। दूसरी बात इसमें आप करेंगे कि आपकी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इसको आप कहते हैं ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट को डील करता है। थर्ड वन आप बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में कि ये सेट आउट करता है उन रूल्स को एंड रेगुलेशंस को जो कंपनी को नीड्स होती है, जिसकी उनको नीड्स होती है टू फॉलो टू अकम्प्लिश इट्स डे टू डे एक्टिविटीज। मतलब उसको अपनी रोज बरोज जो जरूरियात हैं या एक्टिविटीज हैं उनके कामों को, उनके रूल्स को, उनके रेगुलेशंस को चलाने के लिए उसको इस डॉक्यूमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप चाहें तो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंसिस्ट करता है ऑफ दोज नॉर्म्स, उन नॉर्म्स पे या बायलॉज पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, जो कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करता है। यानी ये आपकी दो डेफिनेशन है जो कि इन दी सिंपल वर्ड्स है कि अगर आप इनको याद कर ले तो आपको पूरा जो है वो समझ आ जाएगी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है क्या। इसके बाद हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में कि कौन कौन सी खसूसियात हैं। पहली बात कि ये पार्ट ऑफ दी कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी के आयन से रिलेटेड ये बात करता है। दूसरा ये ऐसा है कि एक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट अमंग मेंबर ऑफ कंपनी, ये इस तरह से काम करता है कि ये कंपनी के मेंबर्स और कंपनी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट को शो करता है। लाइक दिस, इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप डायरेक्टर्स के बारे में बताते हैं, कितने होंगे, कौन होगा, कितनी उनकी पे होगी, क्या नाम होगा, क्या एड्रेस होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, उनके साथ किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो इट्स मीन कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो आपके और कंपनी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट को भी शो करने वाला डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा ये एक चार्टर ऑफ द कंपनी की हैसियत रखता है। इसके अलावा ये आपको ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है जिसके बिना पे आपने कंपनी को रन करना है। इसके अलावा ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, इसको कोई भी पढ़ सकता है ओपनली। इसके बाद हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में जब आप बात करते हैं तो पहली बात कि मस्ट, जब आप एक्ट की बात करते हैं, हम आपको जो है एक्सप्लेनेशन में एक्ट से रिलेटेड बात करते हैं, यानी वेयर एक्ट जो कि आपको लेजिस्लेचर ने दिया, इसमें जो है वो बात करते हैं। इसको पढ़ने की एक तरीका होता है एक्ट को कि शेल एंड मे दो लफ्ज हैं जो लाजमी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने इस प्रोसेस को देखना है। शेल का मतलब जहां पर भी शेल आएगा इट्स मीन कि यू आर दी ड्यूटी बाउंड, कि आप लाजमी तौर पर वैसा ही काम करेंगे। और मे की जहां बात आती है वहां आते इज अ डिस्क्रिशनरी पार्ट, आपका इख्तियार है आप करना चाहें या ना करें। तो अब यहां पर मैंने एक वर्ड बोला कि शेल बी, इट्स मीन के इसके जो आर्टिकल सेक्शन 37 है उसमें बताया गया है कि आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो शेल बी, यानी लाजमी तौर पर कैसा होना चाहिए, मस्ट बी प्रिंटेड होना चाहिए, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स होना चाहिए, और वो जो पैराग्राफ है वो कंजेक्टिवली नंबरिंग पे होने चाहिए, और इसके अलावा साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर होना चाहिए। और यहां पर एक और बात कि अगर आपके वो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लाइक उनके बारे में आपको पता होना चाहिए नेम क्या है उनका फुल, फिर ऑक्यूपेशन क्या है उनका, फिर उनका
फादर्स नेम, और अगर फर्ज करें कि वो कोई लेडी है, विडो है, तो उनके डिजीज्ड यानी जो फोत हो चुके हैं उनके डेड पर्सन जो उनके हस्बैंड है उनका नाम लिखा जाएगा। अगर वो जिंदा है तो फिर जो है अगर मैरिड वुमेन है और अगर उनके हस्बैंड जिंदा है तो उनके हस्बैंड नेम लिखा जाएगा यानी सर नेम लिखा जाएगा, उनकी रेजिडेंट, उनका एड्रेस, उनका जो और पर्टिकल्स जो आप चाहते हैं कि भाई उनका आईडी कार्ड नंबर ये वो ये सब कुछ लिखा जाएगा। इसके बाद ये सब कुछ जो है वो विटनेस की प्रेजेंट में होगा यानी उनकी प्रेजेंस होना जरूरी है। और एक सब्सक्राइबर जो जो भी होगा उसकी कम से कम 2 अटेस्टी होने चाहिए, लेकिन मतलब कि 2 बंदे उनको और ऐसे हों जो कि अटेस्ट कर रहे हो कि जी ये एक सब्सक्राइबर है, ताकि कल को अगर कोई मसला हो तो आप उन लोगों के जरिए जो है वो उस चीज को साबित कर सकें। इसके बाद कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का होना लाजमी है। फर्स्टली आपकी अनलिमिटेड कंपनी, दूसरी जो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, फोर्थ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, एंड फोर्थ वन जो है वो पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इन सब के लिए कंपलसरी है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लाजमी मेक करें। इसके बाद हम बात करते हैं अल्टरेशन की, तो इसको अल्टर किया जा सकता है बट बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे लेकिन यहाँ पर जस्ट इतना ही कि स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए जो है वो आप इसको अल्टर कर सकते हैं। अल्टर मीन चेंज करना, तब्दील करना, आप इसको कर सकते हैं कब? अपनी जनरल मीटिंग में। जब आपकी जनरल मीटिंग होगी, मीटिंग्स के बारे में भी बात करेंगे, जब आपकी मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हुए क्या कर सकते हैं कि चेंज कर सकते हैं अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। किन किन सूरतों में आप चेंज करेंगे? फर्स्टली है अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं यानी कन्वर्जन एक प्राइवेट कंपनी का टू द पब्लिक कंपनी में, सेकेंडली है पब्लिक इनटू प्राइवेट कंपनी में, एंड थर्ड वन है चेंज द नेम ऑफ द कंपनी। इन तीनों सूरतों में आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कैसे? मैंने आपको फिर पहले भी बोला कि बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग जो कि आम आप करवाते हैं, जो कि स्पेशल नहीं है, ठीक है? तो इसमें आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको अल्टर कर सकते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में हमने बात की जनरली कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है क्या, फिर हमने डिस्कस किया उसकी डेफिनेशन के बारे में, फिर हमने बात की कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के फीचर्स क्या है यानी खसूसियात, फिर हमने बात की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में कि इसको स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, लाइक प्रिंटेड ये वो ये जो कि आपको खुद एक्ट ने दिया, फिर हमने बात की कि इसको अल्टर किया जा सकता है कि नहीं, फिर हमने बात की कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का बनाना, उसको तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है।